दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप जो है स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया इस समय जो है कि इसमें UPSRTC मतलब सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी परिचालक मतलब कंडक्टर की भर्ती के लिए जो आवेदन किया गया था उसके लिए साक्षात्कार के उपरांत जो है मेरिट सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ पर बताया गया ईमेल के द्वारा इनको सूचना भी दी गई, तो इन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हुई है। उन्होंने सोचा ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। आपको जो है सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट जो है वेरीफिकेशन कार्यालय उपस्थित हों, डॉक्यूमेंट के लिए उपस्थित हो आप हो जाइएगा। और यहाँ पर ये जो है इसमें कंडक्टर लाइसेंस है, MBBS डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट है ये। और ये जो है उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं तब हम जो है आपका आवेदन निरस्त मानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निरस्त माना जाएगा। और ये जो है सहारनपुर के साथ साथ जो है मेरठ है और साथ में प्रयागराज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रयागराज है, उन्होंने कहा है कि जो है ये हम केवल और केवल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में उपस्थित हो जाइएगा। और 22 मार्च तक जो है पर इसमें एक या दो दिन तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब क्या 30 जो है 31 तक 31 मार्च तक आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर इसमें मिलेगा। कॉर्नर में आप देख सकते हैं मोहर भी लगाई गई है और कंपनी का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, किस कंपनी के द्वारा भर्ती हुई थी कंडक्टर भर्ती में यहाँ पे जो है। और ये चीज़ इसके अंदर मांगी गई है यहाँ पे MBBS के डॉक्टर के द्वारा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट और साथ में जो यहाँ पर बताया गया इसमें पुलिस द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र है ना, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं। ये ईमेल आईडी दे रखी है और नंबर भी दे रखा है, इसका मोबाइल नंबर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि है आप जो इसको ज्वाइनिंग लेटर ना समझेगा, अभी तो है आपका नाम आया था इंटरव्यू के उपरांत, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, इसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। बात करते हैं हम जो है इसके अंतर्गत जो है कि अब पुरानी जो बाबू और चपरासी भर्ती, अभी पुरानी वाली कौन सी है आपको याद होगा, इंटर कॉलेज में एडेड कॉलेज के अंतर्गत जो है ये बाबू भर्ती निकाली गई थी। कम से कम तो इंटर कॉलेज में जो एक या दो दो पद थे सभी जो हैं बनारस इलाहाबाद मेरठ एक एक है एक एक पद था, बहुत कम संख्या में, उनको ज्वाइनिंग लेटर जो है अभी तक नहीं मिला हुआ है। उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है कब तक मिलेगा पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो क्लास से देखिएगा। और चपरासी भर्ती आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो है कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी भर्ती निकाली गई थी, उसमें भी जो है ज्वाइनिंग लेटर बहुतों को नहीं मिला हुआ था, उनको लेटर कब तक मिलेगा। तो मैंने पता लगाया आयोग में जाके जो है और उसमें जो पता लगाया था जो अपने संबंधी से जो है इलाहाबाद में जाके जो है कि इसका कब तक मिला, उन्होंने कहा अभी जो है कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, कॉपियाँ चेक करने के बाद केवल रिजल्ट के ऊपर जो है काम चल रहा है, इस समय इस भर्ती पर पेंडिंग है। कहने मतलब कि इसका बाद में निकाला जाएगा, पहले रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। कम से कम दें 30-40 लाख 60-70 लाख लोगों ने परीक्षा दी हाईस्कूल इंटर की, उसका रिजल्ट की तैयारी है। ये भर्ती फिलहाल रुकी हुई है, नया सेशन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, 2 दिन के बाद जो है अभी तक जो है अभी हमारे स्कूल में जो है ये चपरासी भर्ती और ये बाबू भर्ती पुरानी वाली नहीं आएगी, ठीक है। ये तो खैर चपरासी तो खैर माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए है, बाबू भर्ती ज्वाइनिंग लेटर जो कब तक मिलेगा जुलाई में, कम से कम 1 जुलाई जब स्कूल खोला जाएगा है ना, 2 महीने के बाद जो है अप्रैल और मई और फिर जून, तो कम से कम जो जुलाई में जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार जो है मिल रही है। मैंने सोचा अपने चैनल के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई अगर कोई सूचना है कोई भर्ती निकलना है और कोई सूचना आपके साथ छूट ना जाए। और हाँ, अगर कोई आपको जो है संबंधित कोई अगर आपको जानकारी लेनी है इलाहाबाद आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं संपर्क कर लूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करे प्लस। थैंक यू वेरी मच।